सो हे गाइस, व्हाट्स अप, आई वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको रिसेंटली पता चला होगा, क्या जो हमने नया 360 लिया था वो गिर गया, टूट गया, जो भी हो गया सब गया। तो भाई बहुत लोगों के यही कमेंट आ रहे हैं कि भाई उसका खर्चा कितना आया, क्या हुआ, कैसे बना सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास 360 है। बट इनकेस ऐसा ना हो किसी के साथ, बट इनकेस अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसको कैसे बनाना है, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो सब बहुत लोगों को जानना था। कई लोग से DM आ रहे थे, फिर प्लस उनके कमेंट्स आ रहे थे कि भाई वो कैसे करना है, अभी कैसे कितना खर्चा आएगा। तो आज पूरा डिटेल में बताता हूँ, मगर उसके पहले जो गलती मैंने किया था वो आप लोगों को क्या, कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए पहले वो बता देता हूँ, क्योंकि वो एक गलती है ना बहुत महंगी पड़ गई। काश अगर मैंने पहले ही ध्यान रख लिया रहता और ये गलती नहीं करता ना तो ये ज़्यादा अच्छा रहता। सो भाई अभी ऐसे ही निकला था एक राइड करने के लिए, सोचा वैसे ही अभी रमज़ान चल रहा है, कुछ ज़्यादा दूर तो राइड प्लान नहीं हो रही, तो मैंने ऐसे ही कमेंट सबके चेक किए कि हाँ सभी लोग को ये जानना है एक्चुअली में, तो वो कैसे उनके लिए हेल्पफुल रहेगा वो, उसके लिए मैं बोला आज इनको एक डिटेल में वीडियो दे देता हूँ, क्या कैसे क्या कर सकते हैं इसके लिए आगे। तो पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता कोई वो लाइन प्रेफर करेगा, क्योंकि मैंने पर्सनली मैंने खुद ने नहीं किए, बट अपनी अपनी चॉइस है। तो चलो अभी इधर से बस एक खाली जगह देखते हो, जहाँ शांति से मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, बस एक जगह देखते और रुकते हैं, फिर उधर ही सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सिग्नल जो लगता है, लगता है 2.5 मिनट के लिए और खुलता बस वो 45 सेकेंड्स के लिए। वाह, मतलब एक सिग्नल खुल के लगने तक हम लोग का नंबर ही नहीं आएगा, लिटरली 2 बार रुका हूँ मैं, दूसरी बार सिग्नल खुला तब हम लोग को जाने मिले। बाकी अभी मैं एक और एक अपडेट देना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारी बाइक पूरी मॉड हो चुकी है, मुझे बस टायर है और ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो थी, जो मेन चीज़ें थी वो सब अपडेट करना बाकी था। तो वो भी अभी फुल्ली बोलते ना, वो भी अभी फुल्ली है, हमारा बाइक एकदम रेडी हो चुका है, मतलब अभी कुछ इशू नहीं है उसको ये करने के लिए। तो कई लोग बोल रहे थे कि भाई अभी RR बहुत सही मॉडल दिखती है यार, एक मतलब बोलते ना यूनिक बाइक लगती है, मेरा यही मोटो था कि RR जो है अपनी वो यूनिक लगे। तो उसके लिए हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा, और कई लोग पूछ रहे थे कितना बजट गया, मतलब कितने तक बनाए तुमने RR, इतना मॉडल कैसा हुआ, कहाँ से सब पार्ट आए, सब चीज़ है ना, उसका एक मैं स्पेसिफिक ब्लॉग लाऊँगा कि मैंने कितना इसमें मॉड किया, कितना खर्चा आया मेरे को, कौन सी चीज़ें कितने में ली, कहाँ से ली, सब एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा उस पर भी। तो आने वाले दिनों में वो भी एक ब्लॉग मिल जाएगा आप लोग को। और अभी फ़िलहाल, अरे ये ब्रिज कब से चालू हो गया, सही है ये भी ब्रिज चालू हो गया। अभी बस एक जगह देख रहा हूँ कि जहाँ शांति से बैठ के ब्लॉग बना पाओ, क्योंकि ये ब्रिज चालू, मेरे को लगा था ये ब्रिज बंद है, तो इधर आके मैं शांति से ब्लॉग बनाऊँगा, मगर ये चालू हो गया ब्रिज, भाई साइड में रुक के हम लोग एक ब्लॉग बना ही लेते हैं, क्योंकि देखो अभी भी ये ब्रिज का काम चल रहा है, मतलब इधर ज़्यादा तो रश नहीं रहेगा, बस जो रहेगा वो अपनी है, तो इधर ही सोच लेते हैं। बाकी लोकेशन मस्त है, ये इधर सनसेट क्या सही दिखेगा यार, जो अभी नहीं दिख रहा है, अभी बहुत सूरज का धूप आ रहा है, क्या दिख रही आ रहा यार, जैसे सोचा था परफेक्ट वैसी बनी, एकदम यूनिक। तो अभी अभी के लिए ये टॉपिक साइड में रखते हैं, और जो मेन टॉपिक आप लोग को बताना था वो ये, मैंने गलती ये किया था कि जब मैंने Insta 360 लिया उसका मैंने कोई भी एक्सेसरीज नहीं लिया था, और एक मेरे पास बस एक क्लिप पड़ा था, मैंने वो क्लिप से उसे अटैच किया बिना किसी गार्ड या फिर कुछ भी, उसका जो आता है कवर्स एंड ऑल कुछ भी नहीं लगाया था, मैंने बस उसको ऐसे ही डायरेक्टली यूज़ किया, और बोलते ना बैड लग हमारा कि वो टूट भी गया। तो अभी मैंने पूरा उसका एक्सेसरीज मंगा लिया, ये तो मेरा GoPro रखने का केस था, तो आज काम आ रहा है। ये देखो पहले ये वाला केस दिखा देता हूँ आप लोग को, तू आ जा साइड में, देखो ये अभी नया वाला हमारा है, देखो इसका भी अभी तो प्लास्टिक मैंने निकाला भी नहीं हूँ इसके ऊपर का, और ये हमारा पुराना वाला, कितने कैसे डेंट्स आ गए पूरे, ये लेंस को हुआ कुछ नहीं है, बट ये लेंस अंदर से ख़राब हो गई, क्योंकि ये साइड से पूरा ब्लर शूट कर रही है, और ये लेंस के ऊपर देखो स्क्रैचेस आ गए। बाकी इसको फिजिकल डैमेज है, तो वारंटी में भी इसका क्लेम है, इसका अभी तक मैंने स्टिकर तक नहीं निकाला था यार, इतना ना आया था ये, बस फर्स्ट टाइम शूट करने गया था मैं, तो वो लोग का मैंने बात किया Insta 360, और सबसे मेन इशू जो उनका लगा मेरे को, क्या मुंबई में अगर आप ले रहे हो मुंबई पुणे की दरबी, तो उनका कोई भी सर्विस सेंटर मुंबई पुणे में नहीं है, मतलब इनकेस अगर ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इफ़ हो जाता है तो यहाँ पे नहीं बनेगा ये। मैंने उनसे बात की तो मुझे मालूम पड़ा था दिल्ली भेजना पड़ेगा मुझे उसको, दिल्ली में पहले मुझे उनको सब भेजना होगा, वो भी विद प्रॉपर बिल सब चाहिए, उसके बाद वो लोग आपका मंगाएंगे उधर।
उधर जाने के बाद फिर वो लोग पहले चेक करेंगे, फिर उन्होंने बोला कि एकदम चेक करने के बाद मालूम पड़ेगा कितना खर्चा आने वाला है क्या है करके। एक एस्टिमेट उन्होंने दे दिया कि अगर वन साइड का लेंस रिप्लेस, क्योंकि वो लोग रिपेयर नहीं करने वाले, वो लोग जो डायरेक्ट बनाएंगे मतलब रिप्लेस किया जाएगा वो पूरा, तो वन साइड का जो लेंस रहेगा वो उन्होंने कॉस्ट मेरे को दिया 12,500-13,000 के आसपास वन साइड। मतलब हमारा दोनों साइड से ख़राब हो गया, एक साइड से स्क्रैच आ गया और एक साइड से लेंस पूरा ब्लर शूट कर रही है। तो वो दोनों साइड का, मतलब मैंने सोचा क्या दोनों साइड का लेंस का खर्चा अभी जाएगा वो 25,000-30,000 के आसपास, जबकि अपना इंस्टा 360 आता है 33 के आसपास। तो मैं पहले देखा कि मैं यही सोच रहा था कि वारंटी में तो मैं करा दूँ, भेज दूँ दिल्ली, वो भी जब यहाँ से मैं भेजूँगा मुझे कुरियर करवाना होगा वो लोगों को, कुरियर करने के बाद फिर उनको रिसीव होगा, फिर वो बनाएंगे। तो उन्होंने अप्रोक्स 15 वर्किंग डेज़ का टाइम दिया था कि हम लोग बना के इतने में टाइम में दे देंगे। बट फिर मैं सोचा कि अरे जब मेरे को 25 के आसपास खर्चा करना ही है तो फिर नया लेना क्यों नहीं है, क्योंकि 5,000-6,000 डाल के मैं नया ले सकता हूँ। जबकि एक बार बताए ना, सबका माइंड सेट ये रहता है एक बार चीज़ टूट गई गिर गई उसको वारंटी में जाके आ गई रिपेयर होके आ गई तो फिर थोड़ा उसका नज़रिया चेंज हो जाता है। तो फिर हम लोगों ने दूसरा ही ले लिया क्योंकि वही सही था। और इस बार मैंने पूरा लगाया उसका लेंस गार्ड, जो ऊपर गया था लेंस गार्ड लगाया, उसका कवर लेके रखा हो और 2-3 केस भी लेके रखा हो इधर, देखो ये केस है, ये क्लिप्स एक्स्ट्रा लेके रखे, फिर ये कवर लेके रखा है 360 है। सबसे मेन और जो सबसे यूज़फुल था अभी अगर बाइक का भी, मैं तो कैसे, हम जो मोटो ब्लॉगिंग करने वाले उनको तो बाइक के लिए क्लिप चाहिए इसका, तो मैंने उसके साथ साथ ये भी ऑर्डर कर दिया। काश ये मैं सब पहले करता। देखो ये भी एक क्लिप मैंने ऑर्डर किया, कुछ तो मेरे को ये अराउंड कुछ पड़ा था 2,000-2,500 के आसपास ही पड़ा है, ये ऑनलाइन ही मंगाया था मैंने, जो सभी वो पीछे से जो व्यू आने के लिए ये एक क्लिप ले लिया। मगर इसका क्वालिटी बहुत सही है अभी तक, मतलब मैंने एक ही इसके बाहर रील शूट किया करके देखा कि कितना स्टेबल है, तो क्वालिटी बहुत सही है इसका। इसका भी मैं लिंक दे दूँगा क्योंकि ये बहुत, अगर मोटो ब्लॉगिंग के हिसाब से आप ले रहे हो ना तो ये बहुत सही चीज़ है आपके लिए, तो ये एक ले लेना। प्लस ये तो अभी हम लोग लगा के देखेंगे। और इसका जो लिया आप लोग को एक और एक बात, वारंटी आप अगर ले रहे हो कैसे भी तो दो टाइप में मिलता है 360 भी, एक विदाउट बिल मिलता है एक विद बिल मिलता है। तो बिल प्रॉपर लेना अगर वारंटी क्लेम करना है, तो बिल रहना बहुत ज़रूरी है। विदाउट बिल वो लोग आपको बोलते हैं ना एंटरटेन ही नहीं करेंगे, अगर बिल है तो ही आप लोग दे पाओगे। फिर भी हमारे पास बिल था प्रॉपर सब सही था, फिर भी जो इतना कॉस्ट सुना ना यार लिटरली, मतलब बोला अभी नहीं लेना चाहिए ये। एक हमारे पास ये केस था, केस नहीं सॉरी माउंट था, ये ऐसा ही कोई तो माउंट साकिब पे बाइक पे लगा था जो कि क्वालिटी नहीं होने के, मतलब क्या मालूम अभी क्या था जो भी सीन था, तो वो टूट ही गया इधर से ही, क्लैंप ही निकल गया था उसका पूरा और गिर गया। तो बस अभी मैं बोला कि बहुत लोगों को यार अभी मतलब सोचो यार कोई चीज़ रिपेयर करने में अगर 20-25-30,000 के आसपास का बजट जा रहा है तो हम लोग नया क्यों ना ले। बट अगर कोई भी आप लोग ले रहे हो ना, एकदम बोलते ना एकदम दिल से मैं बोल रहा हूँ क्या भाई, मत ऐसे रफली उसको यूज़ करना ही नहीं, पूरा प्रोटेक्शन। अभी भी मैंने देखो जब नॉर्मल रखा हूँ तो भी उसका प्रॉपर रबर केस के साथ उसको रख रहा हूँ, क्योंकि एक बार आ गया अभी नहीं फिर से नहीं ले सकते अभी उसका। तो अभी वही सोच के आया था कि बोला ये भी एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना था। प्लस अभी थोड़ा रील शूट अभी लिया है 360 या नया आ गया तो क्या हो गया, अभी उसका भी तो शूट करने के लिए यूज़ करना है। तो अभी फ़िलहाल थोड़े एक दो शॉट्स लेके देखता हूँ इसमें कैसे आ रहे क्या है, क्योंकि मैं थोड़ा छोटा बहुत शूट किया हूँ बस रील निकालने के हिसाब से, तो वो तो हो गया। अभी देखते प्रॉपर कैसा, मतलब यूट्यूब के हिसाब से वो कैसे दिखता है। बाकी 360 चीज़ बहुत सही है, इसका अलग से केस ये लोगों, ये रहा ये छोटे छोटे चीज़ें हैं उसके, जो मैंने आपको बोला लेंस गार्ड लिया था ये इतना, मतलब ये बोले ना दूसरा आईफोन है, लिटरली ये दूसरा आईफोन है, क्योंकि जितने का कैमरा नहीं उतने महंगे उसके ना ये सब इक्विपमेंट, जो एक्सेसरीज जो भी आ रही है। इतना सा गार्ड कुछ तो मेरे को 1600-1700 का पड़ा था, अभी इस पर प्राइस नहीं है। इसका जो बिल था ना उसका मैं इसका लिंक डाल दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें, इसका लिंक भी मैं उसमें डाल दूंगा। बट अभी कितना सेटअप हो गया यार, दो इंस्टा 360 हो गए, एक पुराना GoPro हीरो 7 हो गया हमारे पास, एक जिससे मैं मोटो ब्लॉग कर रहा हूँ GoPro 8 ब्लैक हो गया, मतलब पूरा। ये बैग मैंने जब लिया था तब इसमें बस एक ही GoPro था, फिर बाद में ये लिया और अभी पूरा भर गया ये सही है। तो जो इतने दिन से गायब था वो यही सब इशू था कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या, मतलब इतना सब ले लिया था मन से और बाद में ऐसा इशू होगा तो इसके लिए। बट कोई नहीं, बोलते ना सो फार सो गुड, सब सॉर्टेड हो गया है, अभी आ गया हमारा सेटअप पूरा हो गया। अभी यहाँ पे अगर ये केस जो आपको दिख रहा है ये केस भी लेना है ना, इसका भी लिंक डालूंगा, ज़्यादा महंगा नहीं है, कुछ 600-700 रुपये के आसपास आ जाता है। बट जो भी गैजेट है पूरा प्रॉपर इसमें रहते हैं, एकदम बोलते ना सॉर्टेड करके जो भी है हमारा। अभी इसको रखने तो वाला हूँ नहीं मैं, इससे शूट करने वाला हूँ, तो मैं एक बार क्लैंप है ना आप लोग को लगा के दिखा दो, ये जो माउंट है ना ये वाला लगा के दिखा दो कैसे लगता है। तो इसको तो थोड़ी देर के लिए अंदर ही रखता हूँ, तो चल आ जा बाहर ही, आ जा भाई ये वाला माउंट लगा के दिखाता हूँ, क्योंकि बाकी सब माउंट तो GoPro में जैसे लगते हैं वैसे ही है, बट ये बस थोड़ा अलग है।
और जब भी लगा रहे बोलते ना बॉडी में जितना ताकत है पूरा यूज़ करके उसको टाइट करना, क्योंकि वो जब हम बाइक बोलते ना रश कर रहे ना तो वो हिलना नहीं चाहिए। अरे भैया ऐसा कुछ माउंट है इसको इधर से खोलना है। अभी ये बात एक बोलते ना RR 310 की एक अच्छी है कि उसको प्रॉपर यहाँ पे ग्रैब रील है तो हम यहाँ पे बना सक लगा सकते हैं, तो मैं तो इधर ही लगा रहा हूँ। एक काम करता हूँ इसको ऐसे ही लगा के रखता हूँ। ये होगा पूरा टाइट, पूरा स्टेडी है ये। फिर उस ये यहाँ से भी ओपन होता है, ये देखो यहाँ से, तो मेरे को पीछे से एंगल चाहिए। ये लग गया इधर। ये सबसे मेन चीज़ है, कोई भी जुगाड़ मत करना, क्योंकि बहुत से लोग इसको ऐसे लेके जिप टाई से बांधने का देखते हैं। भाई जिप टाई का रिस्क मत लेना कभी, वो बोलते हैं ना स्लिप हो गया गिर गया तो ये वाला लॉस मेरे को जो मिला वो आप लोग को नहीं मिलना चाहिए। बस ये ले लो कि मेरा अराउंड कुछ तो 2,500 के आसपास आता है, मगर ये वर्थ है क्योंकि उतना क्वालिटी प्रोडक्ट है ये। कितना भी मैं एक बार जब रील बना रहा था तब मैंने उसको अराउंड 120-130 के आसपास बाइक भगा चुका हूँ इसके ऊपर, तो कोई इशू नहीं है, प्रॉपर जो फुटेज मिलता है हम लोग को। बस फिर भी टाइट। हाँ तो इसको अभी ये लगाएंगे यहाँ पे। हो गया सॉर्टेड। इसको क्या हो गया अभी, और ये लॉक भी हो जाती है इसी, तो ये पीछे से कुछ ऐसा दिखेगी जो इनविजिबल वाला लुक आता है हमारा, वो ऐसे आता है इसका। और उधर टॉप पे लगेगा हमारा इंस्टा थी। इसके साथ एक और है कि मोबाइल होल्डर भी आता है, क्योंकि कुछ काम का तो है नहीं, मतलब मेरे तो काम का नहीं क्योंकि मैं इंस्टा ही लगाऊंगा, फ़ोन लगाने की हिम्मत मैं करूंगा नहीं उस पर, क्योंकि वैसे ही हम लोग बोलते हैं ना ये कैमरा का लॉस लेकर इतना हो गया है कि अभी आईफोन का लॉस नहीं ले सकता फिर से। और ये लगाने के बाद सिंपल ये प्लग एंड प्ले वाला सीन है, इसको बस इधर लगाना है। इट्स गुड टू गो। अभी बस एक सीन इसमें मेरे को ये लगता है कि ये ज़्यादा हाइट हो गया ना तो थोड़ा स्लो बाइक चलाना सही रहेगा, क्योंकि जब अगर कुछ बम्प वगैरह आते ना बीच में तो ये ऐसे थोड़ा थोड़ा हिलता है, देखो इतना तो हिलता है फिर वो। तो मैं उसको एकदम सिंपल मैं एक ही चीज़ करता हूँ, मैं इसको इतना ही रखता हूँ। बस मैं इतने में ही रखता हूँ ताकि वो ज़्यादा एकदम एकदम भी ना हिले। हाँ थोड़ा बहुत हिलेगा वो तो मेरे को मालूम है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा रॉड है पूरा लोड वो कैमरा पे, बट ट्रस्ट मी गाइस एकदम वर्थ चीज़ है, गिरेगा नहीं इतना फॉर श्योर है, इतना स्ट्रांग है ना अमाउंट ये गिरेगा नहीं। प्लस इसकी जो क्वालिटी है ये भी बहुत बोले एकदम टॉप नॉच है, कितना भी भगाओ कितना भी वो शेक होने तो आपका कैमरा नहीं गिरने देगी। तो यही था, यही छोटे मोटे चीज़ें थे कि जो पहले अगर मैं ले लिया रहता तो इतना होता ही नहीं, बट चलो अभी कोई इशू नहीं है, अभी तो सॉर्टेड हो गई है। बाकी RR क्या दिख रही है देखो, प्यार आ गया यार इसमें, जो भी मोड़ के हो ना इसके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा मैं। सो अभी के लिए तो ये ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन देनी थी वो मैंने दे दी आपको, आई होप ये आपके लिए यूज़फुल रहेगी। और प्लीज़ ये गलती मत करना, जो चीज़ें है जो उसको सेफ्टी चाहिए वो ले लो पहले ही। हाँ सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आज का ब्लॉग आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन रहेगा, कुछ आपको अच्छा इसमें नॉलेज मिला रहेगा। अगर आपको ये ब्लॉग यूज़फुल लगा हो तो इस ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।